विजय साहब, सबसे पहले आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज आपने म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन जो हैं, जो बिलावर में 10 तारीख को होने थे, वो आज हो गए। और वक्त का इसमें टाइम मुझे लगता है कि 2 बजने वाले हैं, 2 बज चुके हैं। किस तरह से आपने वोटिंग की आज, आपको क्या लगता है? देखिए, हमारी पार्टी ने तो इन चुनावों को बाइकआउट किया है। तो हमारे लीडरशिप का ये फैसला था कि 35 को लेके जब तक सरकार अपना स्टैंड क्लियर नहीं करती है तो हम बाइकआउट करेंगे। तो इसलिए हम तो इस चुनाव के बीच में नहीं थे और हमारे लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया है, लेकिन जो हमारा एक बुनियादी हक है वोट करना, वो हमने किया है। जिसको हमने बेहतर कैंडिडेट समझा, भले वो इंडिपेंडेंट है या कोई भी है, हमने उसको वोट किया है। हमने अपने हक का इस्तेमाल किया है। आपने वोट डाला है? बिल्कुल। थोड़ा सा निशान दिखाएं हमें। अच्छा, आपको क्या लगता है, जिस तरह से हमारे विधायक डॉक्टर निर्मल सिंह जी, वो स्पीकर हैं, यहाँ के एमएलए रहे, वो डोर टू डोर कंपेन पे आए थे, उसके बाद कांग्रेस के युवा लीडर डॉक्टर मनोहरलाल शर्मा जी, वो भी कंपेन पे आए डोर टू डोर, वो लगता है उन पे आरोप, पार्टियों पे आरोप लगाते हैं, आपकी पार्टी ने क्यों बायकॉट किया ये इलेक्शन? मैंने आपसे पहले भी स्पष्ट किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने ये फैसला लिया है कि जब तक सरकार, भारत सरकार जब तक 35A को लेकर अपना स्टैंड क्लियर नहीं करती है, हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो हम पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हमें इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना था। नहीं, जिस तरह से ये डॉक्टर मनोहरलाल शर्मा कंपेन पे आए, हमने उनका एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया, तो उन्होंने ये बताया कि देखिए, बीजेपी की सरकार रही तो वो डॉक्टर निर्मल सिंह के ऊपर आरोप लगाते थे कि देखिए, यहाँ का जो विकास होना था वो नहीं हो पाया, इससे जनता जो है, जनता में नाराजगी है। तो हमने, मैंने उनको यही पूछा कि जिस तरह से बिलावर में ADC की पोस्ट लाई, STPO की पोस्ट लाई, इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया, जिस तरह से 100 बेड का हॉस्पिटल किया, ये अगर जो इंसान काम करता है उसके काम की सराहना करनी चाहिए। तो उन्होंने बोला ये हमारे टाइम की बात है, हमने ये कार्यक्रम शुरू किया था, तो अब इनके टाइम में हो रहा है। आपको क्या लगता है? अब देखिए, मैंने नहीं देखा कि मनोहर लाल जी के समय में कोई यहाँ, कोई जो आपने काम बताए हैं इनमें से कोई काम हुआ हो या उनकी शुरुआत हुई हो। उसके लिए आपके पास सबूत हैं, कब सैंक्शन हुआ, किसने सैंक्शन किया, कौन सी गवर्नमेंट है, कौन सी डेट को सैंक्शन हुआ, उसके लिए आप सबूत जुटा सकते हैं। उसमें ये बात स्पष्ट है कि ये सारी बातें जो है उसके बाद जो है वो हुई है, मनोहर लाल जी के समय में नहीं हुई। ये बात नहीं, इस बात को मानना पड़ेगा, जिस तरह से बीजेपी ने ये डेवलपमेंट की, तो इस चीज को तो मानना चाहिए। ये काम, ये जो कुछ बड़े काम जो ये हुए हैं, हमें मानना चाहिए। और मैं नहीं भी मानूं तो जनता इस बात को मानती है कि जो भी आपने ये काम गिनाए हैं, वाकई हुए हैं और बड़े काम हैं, जो कि हम बड़ी देर से कामों का इंतजार कर रहे थे और ये हुए हैं। जी सर, वो डॉक्टर साहब, डॉक्टर मनोहर शर्मा अब कंपेन डोर टू डोर वो बाहर वार्ड में जा रहे हैं, तो अपने कैंडिडेट को वो समझा भी रहे हैं, लोगों को भी समझा रहे हैं। जब हमने लोगों का व्यू लिए तो लोगों का यही कहना है कि वोटर अपना वोट का इस्तेमाल करना जानता है, उसको पता है। तो मुझे आपको क्या लगता है कि लोगों का रुझान वो किस तरफ जाएगा? अब देखिए, ये जो पंचायत की इलेक्शन हो या म्यूनसिपलिटी की इलेक्शन हो, इसमें पार्टियों को लेके लोगों का रुझान नहीं बनता है। जो मैं समझता हूँ वो ये है कि जो कैंडिडेट है उसकी अपनी छवि, उसकी शख्सियत, उसी का ज़्यादा महत्व रहता है, उसी का ज़्यादा रोल रहता है। जी नहीं, आपको जिस तरह से लगता है कि आपकी पार्टी ने बॉयकॉट किया, तो आपका कोई भी कैंडिडेट इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा? नहीं, इसकी वजह कुछ थोड़ी सी बता दे। वजह साफ है कि हमारी लीडरशिप का फैसला है, वो उसके साथ, फैसले के साथ, जिस तरह हाई कमांड की आपकी डायरेक्शन रहेगी। हम पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, उनके सफाई हैं, पार्टी का फैसला उसी को मानते हैं। जी, जिस तरह से आखिरी सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से अगर हर इंसान वोटिंग के लिए जाता है, कुछ लोग इस तरह भी होते हैं कि अपने बोर्ड का वोट ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं करते, आपको क्या लगता है कि बोर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, वोट चाहे किसी भी पार्टी, किसी को तो आपका वो अपना एक फैसला है, लेकिन वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। और इस बात के लिए हम हमेशा लोगों को जागृत करते रहे हैं कि वोट का इस्तेमाल जरूर कीजिए, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने यह हक दिया है, इसका इस्तेमाल होना चाहिए। थैंक यू।